जोधपुर के दौरे पर रहे। सीएम के जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गहलोत ने समाज सेवी पारस डाकलिया जी की माता के निधन पर शोक प्रकट किया और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। इसके बाद सीएम गहलोत अपनी बहन के घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बहन का आशीर्वाद लिया और मुलाकात की। इस दौरान सीएम गहलोत ने पायलट के जवाबदेही के बयान पर अपनी बात भी रखी। सीएम गहलोत ने कहा कि पायलट पीसीसी चीफ के साथ साथ डिप्टी सीएम भी हैं, उन्हें सुझाव देने के साथ फीडबैक लेने का भी अधिकार है। मंत्री नेताओं और अधिकारियों को उनके सुझावों को गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं जेएनयू विवाद और कोटा मामले पर केंद्र सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला। बहुत खतरनाक स्थिति में हम चल रहे हैं, बहुत चिंता वाली स्थिति है देश के अंदर। मोदी जी को चाहिए जो कुछ भी माहौल बना देश के अंदर, उस माहौल को ठीक करने के लिए आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेवारी है। जेएनयू की घटना को मैं सबसे बड़ी घटना मानता हूँ कि आप नकाबपोश लोग जाए एक प्रतिष्ठित संस्थान के अंदर, जेएनयू के अंदर पुलिस तमाशबीन बनी खड़ी रहे और जाके वो हमला करे वहाँ पर छात्र संघ के नेताओं पर, जो लड़की है वहाँ के अध्यक्ष उस पर हमला हो गया, टीचर्स पर हमला हो गया और पुलिस हाथ खड़े करके खड़ी है, ये लोकतंत्र को कहाँ ले जाएंगे? लोकतंत्र बचा हुआ है। शिशु मृत्यु दर होती है लगातार कम होती जा रही है, कोटा के अंदर भी इस बार 2019 के अंदर कम हुई है, वनस्पति के 18 के, 17 के, 16 के, 15 के, 14 के, पर उस वक्त भी कम होते गए। 14 से शुरू करें हम लोग, लगातार कम होते गए उनके वक्त में भी। तो मैंने तो उल्टा अप्रिशिएट किया, लगातार 6 साल से शिशु मृत्यु दर कम होती जा रही है। पर मैं समझता हूँ इसमें कॉन्फ्रेंसी हुई मिलकर के, कई लोग इसमें भागीदार बने, कॉन्फ्रेंसी करके मीडिया को गुमराह किया गया, दिल्ली की मीडिया को बुलाया गया और पूरे देश में एक इश्यू बनाया गया ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। अब कौन किसने क्या किया वो टाइम बताएगा, परंतु इसमें बहुत बड़ा राज होना चाहिए। देखिए वो हमारे डिप्टी सीएम भी हैं और पीसी प्रेसिडेंट भी हैं, इसलिए उनके दो अधिकार हैं। एक तो पीसी प्रेसिडेंट के हैसियत से उनका अधिकार है कोई बात कहने का, और हम लोगों को उसकी बात को गंभीरता से सुनना। पीसीसी प्रेसिडेंट होता है उसकी पत्नी गरिमा होती है, और जो पीसी प्रेसिडेंट बोलता है कमेंट करता है तो सरकार को चाहिए, सरकार के नुमाइंदों को चाहिए उन बातों को, उनके सुझावों को गंभीरता से लें।